नमस्कार, मैं राज शर्मा स्किल्स ऑटोमोबाइल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है महिंद्रा मराजो के ऊपर, एंड इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगा इस कार के बारे में। और आई थिंक सो ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि कार खरीदने से पहले क्या चीज़ देखनी ज़रूरी है। कार कितनी सॉलिड है, ये एक एक्सीडेंटल कार मेरे पास आई है। एक्चुअली मैं इसे मेजर एक्सीडेंट नहीं कहूँगा, बहुत ही माइनर एक्सीडेंट है। बट माइनर एक्सीडेंट में भी अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज कार रिपेयर से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और एक ऐसे वीडियोस बनाता हूँ मैं कि जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। गाड़ी है महिंद्रा मराजो, इसका जो सब फ्रेम जो होता है वो एक छोटे से एक्सीडेंट में टूट गया है। एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, ये पैनल निकला है, ये थोड़ा अंदर चला गया पैनल, यहाँ से पूरा सब फ्रेम खोला है। इसका सब फ्रेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक कास्टिक का बनाया हुआ है, लोहे का नहीं बनाया हुआ, इसलिए बहुत जल्दी टूट जाता है। वो इसका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि सब फ्रेम कास्टिक का बनाया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद अगर ये मतलब सब फ्रेम टूट गया, इतना बड़ा, हम इस एक्सीडेंट को अज्यूम करें कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। तो आप ये देखिए, अगर एक्सीडेंट हुआ है, एयरबैग नहीं खुला, मतलब अगर मैं इसको ये मानूं कि सब फ्रेम बहुत स्ट्रांग बनाया कंपनी ने, लेकिन एक्सीडेंट में सब फ्रेम टूट गया, यानी कि एक्सीडेंट तेज हुआ है, और अगर एक्सीडेंट तेज हुआ है तो एयरबैग तो बाहर निकलना चाहिए, एक सिंगल एयरबैग नहीं निकला। मैं इसका सब फ्रेम दिखाता हूँ आपको, ये इसका नए वाला सब फ्रेम है जो अभी हम फिटिंग कर रहे हैं, ये कंपनी से ऑर्डर करके मंगाया है। आप देखो इसकी क्वालिटी क्या है, कास्टिक का बनाया है। इसका जो पुराना फ्रेम था वो दिखाता हूँ आपको, ये तो इसके लोराम वगैरह हैं। और बेटा इसका पुराना सब फ्रेम कहाँ रखा, दिखाता हूँ इसका सब फ्रेम का, ये रहा, ये देखिए यहाँ से पूरा टूट गया। जैसे यहाँ पर एक पैनल आपको दिख रहा है, ये पैनल यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ से पूरा टूट गया। लेकिन अगर सब फ्रेम कम से कम लोहे का बनाना चाहिए था, एक कार को हल्का बनाने के चक्कर में कास्टिक का बनाया है कि एक छोटे से एक्सीडेंट से टूट गया, और इसके टूटने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ और क्या नुकसान हुआ है इसका। ये इसका एक्सल है, दे देखिए, ये एक्सल के बैरिंग है, एक्सल ही टूट चुका है, ये देखिए आपको दिख रहा है, इसमें एक्सेल का सिर्फ एक बैरिंग है और ये जो दो बैरिंग है वो टूट चुके हैं पूरी तरीके से। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर एक्सीडेंट तेज हुआ तो एयरबैग तो खुलना चाहिए। हम लोग इतना पे करते हैं कि सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, सामान टूट गया है, सब फ्रेम टूट गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एयरबैग्स बाहर नहीं आए। और ये तो ऐसा भी नहीं कि बहुत पुरानी गाड़ी है, महिंद्रा मराजो काफ़ी नई गाड़ी है, ये जो कार है ये अराउंड 1.5 साल पुरानी कार है, ये हालत हुई है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू,
मैं पर्सनली ये कार बाय नहीं करूँगा कभी भी, क्योंकि बहुत ही अनसेफ लगी मुझे ये कार, सेफ नहीं है। सब कुछ कास्टिंग का बनाया हुआ, ये भी आप देख रहे हैं, ये पूरा पैनल जो है कास्टिंग का ही बनाया हुआ, सब कास्टिंग का बनाया हुआ, सिर्फ इसलिए ताकि सब हल्का हो सके। लेकिन हल्के से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि सेफ्टी हो। ये इसका टूटा हुआ पीस है, इस साइड का जो एक्सल था पूरा टूट गया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट एक छोटा सा रिव्यू था इस गाड़ी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स जो ख़रीदने वाले हैं अगर ये गाड़ी, तो उनको थोड़ा आइडिया होगा इस कार के बारे में। सो थैंक यू गाइस, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ये बताना मैं भूल गया कि इस फ्रेम का जो कॉस्ट है, सब फ्रेम का ये है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।